हरियाणा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा को करारा झटका लगा है। वोटिंग से ठीक दो दिन पहले पूर्व सांसद और दलित नेता अशोक तंवर ने कांग्रेस में वापसी कर ली है। महेंद्रगढ़ की चुनावी रैली में राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी में वापसी की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। बड़ी बात यह है कि अशोक तंवर घंटे भर पहले बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उनकी घर वापसी पर कांग्रेस ने ट्वीट भी किया है। कांग्रेस ने कहा कि लगातार शोषितों वंचितों के हक की आवाज उठाई है, संविधान की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। हमारे इस संघर्ष और समर्पण से प्रभावित होकर आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद हरियाणा में बीजेपी की कैंपेन कमेटी के सदस्य और स्टार प्रचारक श्री अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। दलितों के हक की लड़ाई को आपके आने से और मजबूती मिलेगी। कांग्रेस परिवार में आपका पुनः स्वागत है, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आपको बता दें कि अशोक तंवर हिसार से लोकसभा सांसद रह चुके हैं, वह हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अक्टूबर 2019 में उन्होंने हुड्डा से कथित मनमुटाव की वजह से कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। अब आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की जब बातें सामने आने लगी, उन्होंने जनवरी 2024 में आपका साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें खुद मनोहर लाल खट्टर ने पार्टी ज्वाइन कराई थी। हरियाणा के तेज तरार युवा नेताओं में गिने जाने वाले अशोक तंवर सिरसा से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा को 2.5 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से हराकर सदन पहुंचे थे। तंवर भारतीय युवा कांग्रेस और NSUI के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। दिल्ली के प्रतिष्ठित JNU से छात्र राजनीति की शुरुआत करने वाले अशोक तंवर ने साल 2009 में लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सिरसा सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 3,54,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। हालांकि वो 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में इंडियन नेशनल लोकदल के चरणजीत सिंह रोरी से हार गए और 2024 के चुनाव में वह BJP के टिकट से मैदान में उतरे, लेकिन इस बार भी उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। फिलहाल जिस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम हरियाणा के चुनाव में बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दलित वोट बैंकों को साधने के लिए कांग्रेस ने अशोक तंवर को घर वापसी कराई है। लेकिन बात यहाँ ये फंसता है कि जिस प्रकार से एक घंटे पहले भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं अशोक तंवर का, एक घंटे बाद ही कैसे हृदय परिवर्तन हो जाता है। आखिर कौन है वो शख्स जिसने एक घंटे में अशोक तंवर का हृदय परिवर्तन करते हुए घर वापसी करा दी। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और UP उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।